सर्वश्रेष्ठ कौन? बादशाह अकबर अपने अलीशान सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार लगा हुआ था। उचित न्याय पाने के लिए लोग कतार में खड़े थे। बादशाह अकबर लोगों को उचित न्याय देने में व्यस्त थे। धीरे धीरे दिन ढल गया। कार्य समाप्त करते करते अचानक बादशाह अकबर ने एक दरबारी से एक सवाल पूछा। तुम्हारे ख्याल से संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान इंद्र या मैं? गुस्ताखी माफ हुजूर, भगवान इंद्र। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारा क्या ख्याल है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? हुजूर आप जहाँ पना, आप भगवान इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर यह सही है तो साबित करो कि मैं सर्वश्रेष्ठ। अब वह दरबारी मुसीबत में पड़ गया। कैसे साबित किया जाए? वह आशा भरी निगाहों से मंत्री बिरबल की तरफ देखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि बुद्धिमान बिरबल ही एक ऐसे व्यक्ति है जो उसे इस गंभीर स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। यह साबित करना तो बहुत ही आसान है जहाँपना। वास्तव में एक बार स्वयं भगवान ब्रह्म को भी इस दुविधा का सामना करना पड़ा था। भगवान ब्रह्म ने दो मूर्तियां बनवाई, एक भगवान इंद्र की और एक आपकी। फिर उन्होंने उन दोनों मूर्तियों को स्वर्ग की तराजू में रखकर तौलने का निश्चय किया। तौलने के लिए ब्रह्म ने जैसे ही तराजू को ऊपर उठाया, वैसे ही आपकी मूर्ति अधिक वजनदार होने के कारण धरती पर आ पहुंची और हल्की होने के कारण इंद्र की मूर्ति ऊपर स्वर्ग में चली गई। इसी वजह से इंद्र स्वर्ग पे राज करते हैं और आप धरती पर। बादशाह अकबर बिरबल की चतुराई भरे हाजिर जवाब से बहुत प्रभावित हुए और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान हमारी मदद खुद क्यों करते हैं? एक दिन बादशाह अकबर और बिरबल शाही उद्यान में टहल रहे थे। अचानक बादशाह अकबर ने पूछा, हिंदू भगवान हमेशा विचित्र बर्ताव क्यों करते हैं? हमारे बादशाह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को समान आधार से देखते हैं। फिर उन्होंने ये विचित्र प्रश्न क्यों किया? जरूर वे मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे अच्छा उदाहरण है, क्या उनके पास नौकर चाकर नहीं है? जब भी कोई भक्त उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं, तब भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। वे इन कामों के लिए नौकर जरूर रख सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वे जरूर रख सकते हैं। फिर बिरबल ने एक योजना बनाई। उसी दिन शाम के समय बादशाह और बिरबल शाही बगीचे के नदी किनारे घूम रहे थे। बिरबल उधर तो देखो, राजकुमार खुर्रम को हमारे सेवक ले आ रहे हैं। वे पास पहुँच ही रहे थे कि अचानक सेवक का पैर फिसल गया और बादशाह ने देखा उसका प्यारा पोता गहरे पानी में गिर गया और डूब रहा है। तुरंत बादशाह अपने पोते को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। अरे यह तो राजकुमार खुर्रम नहीं है, यह तो उसका मोम का पुतला है। जैसे ही सेवकों की मदद से बादशाह बाहर आए, बिरबल तुरंत बोले, जहाँपना अपने पोते को बचाने के लिए आप खुद क्यों पानी में कूद पड़े, जबकि आपके पास तो कई नौकर चाकर हैं जो आपके बुलाने पर दौड़े चले आते हैं। मेरा पोता मेरे लिए बहुत अनमोल है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब उसे डूबते देखा तो मैं खुद को नहीं रोक पाया। जहाँपना यही कारण है कि जब कोई भक्त संकट में होता है तो भगवान श्री कृष्ण खुद उनकी मदद करने के लिए दौड़े आते हैं। हाँ, अब मुझे ये बात समझ में आई। असल में बिरबल ने ये योजना खुद बनाई थी। उन्होंने राजकुमार खुर्रम का मोम का पुतला बनवाकर सेवक के हाथ देकर ये नाटक करवाया था। बिरबल एक जासूस। बादशाह अकबर के शाही बगीचे में कालू नामक एक माली काम करता था। वह बहुत मेहनती था। एक दिन वह रोते रोते बिरबल के यहाँ पहुँचा। श्रीमान जी, मेरी मदद कीजिए, मैं लुट गया। मेरी जिंदगी की सारी मेहनत की कमाई चोरी हो गई। मैंने बहुत मेहनत करके 1000 सोने के सिक्के जमा किए थे, वे चोरी हो गए। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब रोना बंद करो।
और मुझे बताओ तुमने अपना धन कहाँ रखा था। मैंने ऐसी जगह वे सिक्के छिपाए थे कि उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। शाही बगीचे में नाशपति पेड़ के नीचे जमीन खोदकर मैंने सिक्के छिपाए थे। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। किसी को इस बारे में तभी मालूम हो सकता है जब वह पेट के नीचे खुदाई करेगा। पेट के नीचे खोदने की जरूरत किसे पड़ी होगी? बिरबल ने सभी वैद्यों और हकीमों को बुलावा भेजा। क्या नाशपति पेट का कोई हिस्सा दवाई के काम आता है? नाशपति हमारे शरीर के लिए पोषक फल है, लेकिन उसके फूल और पत्ते हमारे किसी काम के नहीं। श्रीमान जी, मैंने नाशपति की जड़ों का इलाज के लिए उपयोग किया था। अभी कुछ समय पहले मैंने इसकी जड़ी बूटियों को इन जड़ों से बने मलहम में मिलाया था। इन जड़ों को तुम्हारे लिए कौन ले आया था? मेरे एक मरीज का नौकर। उस नौकर को तुरंत मेरे सामने बुलाइए। क्या तुमने नाशपति पेड़ की जड़ें कोड़ी थी? हाँ श्रीमान जी। यह पेड़ कहाँ था? शाही बगीचे में श्रीमान जी। तुम चोर हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वहाँ तुम्हें जो सोने के सिक्के मिले हैं तुरंत वापस करो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं सब सोने के सिक्के वापस कर दूंगा। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम वे चीजें कभी नहीं चुराओगे जो तुम्हारी नहीं है। नौकर ने सिक्कों की थैली वापस कर दी। बिरबल ने कालू को बुलवा भेजा और आते ही उसे सिक्कों की थैली सौंप दी। कालू ने बिरबल को धन्यवाद दिए और बहुत खुश हुआ। जीवन भर की कमाई उसे वापस मिल गई। बिरबल की खिचड़ी। एक दिन यमुना तट के किनारे अकबर और उनकी रानी टहल रहे थे। किनारे पर बैठे बैठे रानी ने अपना हाथ पानी में डाला और खेलने लगी। ओह, ये पानी इतना ठंडा है कि इसमें दो पल भी ठहरना नामुमकिन है। बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो इंसान यमुना नदी के ठंडे पानी में पूरी रात कंठ तक डूबा रहेगा उसे 1000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। परंतु शर्त केवल एक है कि इस व्यक्ति के पास कोई गर्म वस्तु नहीं होनी चाहिए। इस घोषणा को सुनकर एक बुजुर्ग आदमी को लगा कि अपने इस बुढ़ापे के समय में पैसे कमाने का इससे अच्छा मौका शायद ना मिले। यह सोचकर वह राजा के दरबार में जा पहुंचा और इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सिपाहियों, इस आदमी को नदी किनारे ले जाओ और उस पर कड़ी नजर रखो। वहां पहुंचते ही बुजुर्ग आदमी ठंडे पानी में खड़ा हुआ। यह पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन मुझे अपने मन को पक्का करना चाहिए। जैसे रात बीतती गई, वैसे पानी और भी ठंडा होता गया। समय बीतता गया। बुजुर्ग आदमी ने अपना ध्यान ठंडे पानी से हटाने के लिए राजा द्वारा दिए जाने वाले हजारों सोने के सिक्कों में लगा दिया। आखिर सूरज की किरणें पड़ी और सुबह हो गई। सुबह होते ही सिपाही उसे राजा के दरबार में ले गए। बहुत खूब, शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। सिपाहियों, मुझे एक बात बताओ, पूरी रात वह पानी में कैसे खड़ा रहा? जहाँ पना, पूरा समय वो महल की रोशनी को देखता रहा। एक दरबारी जताना चाहता था कि वह बहुत ही चतुर और होशियार है। बुजुर्ग इंसान, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने हमें धोखा दिया है। ठंड से बचने के लिए महल की रोशनी की गर्मी का तुमने सहारा लिया है। जहाँ पना, ये इस पुरस्कार के योग्य नहीं है। बादशाह अकबर ने बिना पुरस्कार दिए इस बुजुर्ग आदमी को जाने का आदेश दिया। अगले दिन बिरबल दरबार नहीं आए। चिंता से राजा और उसके दरबारी बिरबल से मिलने गए। बिरबल, तुम आज दरबार में क्यों नहीं आए? जहाँ पना, मैं खिचड़ी पका रहा था। खिचड़ी पकाने के लिए सारा दिन तो नहीं लगता। जहाँ पना, मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि खिचड़ी क्यों नहीं पक रही है। चलो देखते हैं। जैसे ही सब रसोई घर पहुँचे, उन्होंने देखा मटका आग से 7 फुट ऊपर टंगा हुआ था। बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमने मटके को आग से इतना ऊपर बांधा है तो खिचड़ी कैसे पकेगी? जहाँ पना, अगर वह बुजुर्ग आदमी
महल से हजारों फुट दूर खड़े होकर महल की रोशनी की गर्मी पा सकता है, तो सिर्फ 7 फुट की दूरी से ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। यह सुनकर बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने बुजुर्ग आदमी के साथ बड़ी नाइंसाफी की और वही उस पुरस्कार का असली हकदार है। उन्होंने उसे दरबार में बुलाकर 1000 सोने के सिक्कों का पुरस्कार दिया, जिसका उन्होंने उससे वादा किया था। भविष्यवाणी की कला। बादशाह अकबर के दरबार में बिरबल को दिए हुए उच्च पद से अन्य दरबारी बिरबल से बहुत ही जलते थे। उन्होंने कई बार चालाकी से बिरबल को फंसाने की चाल चली ताकि वह बादशाह अकबर की नजरों से गिर जाए। इस बार फिर उनके पास ऐसी ही एक चाल थी। जब बिरबल दरबार में नहीं थे तब जहांपना, हम सब ने यह महसूस किया है कि आजकल बीरबल दरबार के कामों में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। वो भविष्यवाणी और इससे जुड़े हुए जादू सीखने में ज्यादा व्यस्त है। हम उसकी मगरूरी से तंग आ गए हैं कि वे अपने इस जादू से कुछ भी कर सकता है। बादशाह अकबर यह जानते थे कि बीरबल को फंसाने के लिए दरबारियों ने कुछ तो चाल चली है। बादशाह ने दरबारियों का साथ दिया यह पता लगाने के लिए कि बीरबल अपने चतुर दिमाग से किस प्रकार इस चाल से निकल सकता है। बीरबल, मैंने अपनी अंगूठी कहीं खो दी है, क्या तुम अपने जादू से उसे ढूंढ सकते हो? हाँ जहांपनाह, आप देखेंगे कि अंगूठी अपने आप आपकी उंगली में पहुंच जाएगी। बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर लकीरें बना दी। उस पर बीरबल ने राजा को जिस उंगली की अंगूठी खोई थी वह उंगली रखने को कहा। इसके बाद बीरबल ने कुछ मंत्र बोलते हुए कुछ चावल के दानों को दरबारियों की तरफ फेंका। उससे एक दरबारी डर सा गया। उससे लगा कि कहीं बीरबल की जादू की वजह से अंगूठी उछलकर जेब से बाहर ना आ जाए, इसलिए उसने जेब पर कसकर हाथ रखा। ऐसे करते हुए बीरबल ने उस दरबारी को देख लिया। जहांपनाह, मैंने अंगूठी ढूंढ ली है, वो इस दरबारी के जेब में है। दरबारियों को एहसास हो गया कि एक बार फिर से बीरबल ने उन्हें चकमा दे दिया है। बादशाह अकबर ने खुद यह अंगूठी उस दरबारी की जेब में रखी थी, परंतु दरबारी की घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसके कारण वह पकड़ा गया। बादशाह ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उसे वही अंगूठी बख्शीश में दे दी। मेरी चाहत। बादशाह अकबर के राज्य में एक महा कंजूस था। मिट्टी और घास से बने हुए छोटे मकान में वह रहता था। एक दिन अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग, आग, बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी झोपड़ी में आग लग गई है। उसकी चीख सुनकर गाँव वाले पानी की बाल्टियां ले आए और उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर आग बढ़ती ही जा रही थी। कंजूस डर कर जोर जोर से रोने लगा। तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? केवल घास फूस की एक झोपड़ी ही तो थी। भाई साहब, आपको नहीं पता, उस झोपड़ी में मेरे जन्म भर की कमाई है। झोपड़ी में रखे चूल्हे के पास कोने में जमीन के नीचे हीरे और सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा है। घबराओ मत, मैं इस आग में कूदकर वो बक्सा ले आऊंगा, पर तुम्हें ये वादा करना होगा कि उस बक्से में से मैं जो चाहूंगा वो तुम्हें दूंगा, बाकी सब मैं रख लूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, देर होने से पहले जल्दी जाओ। सुनार आग की झोपड़ी में कूद पड़ा। जल्दी सुनार बक्सा लेकर बाहर आया। उसके हाथ पर जलने के निशान थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कंजूस वह बक्सा लेने आगे बढ़ा। ठहरो, मैंने कहा था जो मैं चाहूँगा वही तुम्हें दूंगा। ये लो, मैं ये बक्सा तुम्हें देता हूँ, हीरे और सोने के सिक्के मेरे। खाली बक्सा सुनार ने कंजूस को दे दिया। अरे, यह तो नाइंसाफी है। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए तुम मेरी आधी कमाई ले सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता, वादा तो वादा होता है। मैंने जो चाहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया था। यह बहस कुछ देर तक चलती रही। आखिर दोनों ने न्याय मांगने के लिए
बिरबल के पास जाने का फैसला किया। बिरबल ने उनकी परेशानी सुनी। ठीक है सुनार, तुम क्या चाहते हो? हीरे और सोने के सिक्के जनाब। तुम्हारे वादे के अनुसार हीरे और सोने के सिक्के कंजूस के हुए, क्योंकि तुमने वादा किया था कि जो तुम हो वही कंजूस को मिलेगा। सुनार को एहसास हुआ कि वह अपनी ही बात में फंस गया था और बिरबल ने उसी के शब्दों में उसे फंसाया था। वह इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता था। कंजूस ने बिरबल का शुक्रिया अदा किया और खुशी से वह अपनी सब कमाई लेकर चला गया।